अध्यक्ष भूपेश बघेल ने एक नारा दिया था, नरवा घुरवा गरवा बारी एला बचाने है संगवारी, ए दारी कांग्रेस के बारी, तो ए दारी कांग्रेस के बारी आ गई, कांग्रेस के बारी आ गई। लोगों ने विश्वास किया और हमने नारा दिया था छत्तीसगढ़ के चार चिनारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, और लोगों ने विश्वास किया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। इस वक्त मैं जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात कर रहा हूँ, ये इसमें कौन बनेगा ये फैसला हाईकमान को करना है, थोड़ा सा इंतजार तो करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नान घोटाला इस मामले की जांच होगी, जो आरोपी है वो जेल जाएंगे, कानून अपना काम करेगा। एक और बात, अजीत जोगी की जाति का मसला भी आप लोगों ने खूब उठाया, क्या इस मामले को लेकर के आपकी सरकार जो है काम करेगी? देखिए वो जो कानून के कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, वो कार्रवाई होगी, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी किसानों को ऋण माफ़ी और जो 2500 रुपये में धान खरीदी जो हमने वादा किया है लोगों का, वो हमको करना है। 15 से अधिक जिलों में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई, टुकड़ा साफ हो गया है, और जो अमित शाह ने कहा था 65+ की बात उन्होंने कही थी, वो कांग्रेस के लिए कही थी। एक अंतिम सवाल, lalluram.com के जरिए अपने छत्तीसगढ़िया भाइयों के लिए छत्तीसगढ़ी में क्या संदेश देंगे? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये जिन कहावत है तेल चरितार्थ करे का आवश्यकता है, और छत्तीसगढ़ ला बहुत सुंदर राज्य बनाए के जिन पुरखा मन सपना देखे रही से ओला पूरा करे के समय आ है, और हम सब मिल के 3.25 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, वो सब मिल के छत्तीसगढ़ महतारी ला सुंदर बनाबो, ओकर नोनी बाबू मन ला समृद्ध बनाबो, सबल बनाबो, शिक्षित बनाबो, स्वस्थ बनाबो, ये हमार मन के उद्देश्य। तो lalluram.com से बात कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल ने ये साफ कर दिया है कि ये सरकार जो है छत्तीसगढ़ियों की सरकार है और छत्तीसगढ़िया ही अब यहाँ पे राज करेगा। कैमरामैन श्याम के साथ वैभव सिंह पांडे, lalluram.com।